हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर प्रेम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रेम मेरा और अपन मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी भाई, सबसे पहले बात करेंगे आज जो है भाई, क्या रीट के बारे में बात करेंगे। रीट और रीट में जो भी लेवल फर्स्ट या सेकंड लेवल की बात कर लेंगे। लेवल अपने पास में फर्स्ट और सेकंड, क्या भाई पहला और दूसरा, इसके जो अंदर है जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, क्या भाई रीट में मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है वो अपन रीट की, आपको पता है रीट की परीक्षा कब होगी भाई? तो आप सभी को पता है कि 26 सितंबर 2021 को फिक्स हो चुकी है, जो आज ही के दिन हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के द्वारा जो विशेष बैठक की गई थी उसमें फैसला लिया गया था कि एग्जाम से 10 से 12 दिन, कितने भाई 10 से 12 दिन पहले ही आपके क्या भाई एडमिट कार्ड डाल दिए जाएंगे। कितने दिन पहले? 10 से 12 दिन आपके एडमिट कार्ड डाल दिए जाएंगे रीट के। तो एग्जाम डेट सभी को पता है भाई, और ये जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का, वो एकदम मैथमेटिक्स की जो आपकी एग्जाम में सेकंड लेवल से पहले हम बात करेंगे सेकंड लेवल की, जिसमें मैथ के टॉपिक है वो हम जो कितने बजे भाई, आज हो चुकी है 4 तारीख, और 4 तारीख से और अपन को करना भाई कितने तारीख तक, ये 25 तारीख तक अपन को क्या भाई कंप्लीट करना। तो ये कितने दिन बचे भाई अपने पास में, माना कि अपने पास में 20 दिन है, ये 20 दिन में अपन को भाई क्या करना बच्चों, जो रीट का है सेकंड लेवल में जितने भी मैथमेटिक्स की प्रश्न वाली है उनको बात करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे अब समाप्त करता हूं, लेकिन जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो आपको बताता हूं। देखो कि रीट की लेवल सेकंड की बात करते हैं, लेवल सेकंड में क्या भाई, लेवल सेकंड की बात करेंगे अपन। सेकंड लेवल में जो मैथमेटिक्स का है कि कौन कौन से टॉपिक है कौन कौन से टॉपिक नहीं है वो अपन बात बताता हूं भाई। पहला टॉपिक रीट के सेकंड लेवल का भाई क्या है, घातांकी है, क्या भाई घातांकी है। दूसरा जो एग्जाम में भाई आएगा एग्जाम में गुणांक, क्या भाई गुणनखंड। तीसरा टॉपिक क्या भाई, समीकरण, समीकरण। चौथा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल एवं घनमूल, क्या भाई वर्गमूल और घनमूल या वर्गमूल, वर्गमूल। पांचवा टॉपिक घन एवं घनमूल। छठा टॉपिक जो क्या भाई साधारण ब्याज, जो अपन SI व CI कह सकते हैं। सातवां टॉपिक, ये 7-8 दोनों एक साथ है, ये लाभ एंड हानि। आठवां टॉपिक है अपना क्या भाई प्रतिशत। नौवां टॉपिक हो गया अनुपात, समानुपात। दसवां टॉपिक हो गया भाई साझा, जिसे हम कहते पार्टनरशिप। और ग्यारहवां टॉपिक क्या हो जाएगा भाई, जन्म दर मृत्यु दर, जन्म दर
मृत्यु दर और यहाँ पे भाई जनसंख्या वृद्धि। तो ये टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है जो आपकी एक बार पंखा चला देता भाई, ये टॉपिक वे टॉपिक है जो आपकी सेकंड लेवल की रीट की एग्जाम है उसमें आने वाला, मतलब 6 से 7वीं क्लास पढ़ाते अपन, 7-8 वो एग्जाम में आने वाला है। तो देखते हैं अपन आगे कौन कौन से टॉपिक है और बताते हैं आपको। ये सभी विद्यार्थी उदाहरण है। अब देखो ये आगे अगला क्या भाई, आयतन 12वां टॉपिक है, 13वां टॉपिक चतुर्भुज, 14 टॉपिक है वृत्त, 15वां टॉपिक है सांख्यिकी, 16वां टॉपिक है भाई लेखा चित्र, आयतन चित्र, वृत्त और एक ग्राफ, ये टॉपिक भाई। 17वां टॉपिक की गणित की भाषा, क्या भाई जो मैथ में, मतलब ये क्या हो गया भाई, अपन तो बात उन्होंने की करेंगे जो अंक गणित में आते भाई, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन को क्या है पढ़ना, इन टॉपिकों में जो मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे वो रीट के एग्जाम में वो आपको बताने वाला हूँ। देखो तो पहला क्वेश्चन जो अपन करेंगे वही सिंपल सिंपल